हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जाहिर सी बात है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग मुझे जानते ही हैं। मेरा नाम है रजत पॉपर। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी धांसू वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो वीडियो स्किप मत करना, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो ठीक है, एक टूटल बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उससे कई ज़्यादा मेहनत लगती है उस चीज़ को सीखने में। तो देखो, पहले तो स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी को। स्किप अगर करेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आधे लोग सोचते हैं स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा मतलब है दोस्तों, बहुत बड़ा मतलब है। इसलिए मैं फास्ट में दिखा रहा हूँ, जिससे आप बोर ना हो। दोस्तों, अब मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से एक बार समझ लीजिए। जो मैं चीज़ जैसे जैसे बताऊँगा वैसे ही करिए आप, ठीक है। तो आपको बैक फ्लिप आराम से आ जाएगी। और सबसे मेन बात है, ये एक्सरसाइज करनी है आपको, ये कमर की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों बढ़ा देगी। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये बैक फ्लिप है, ठीक है, ये मान के चलिए अभी मेरे को भी नहीं आती है, ठीक है। मैं इसी टेक्निक से बताऊंगा जैसे आप घर पे करेंगे। ये मान लीजिए मेरे को भी नहीं आती है, तो मैं भी आपके जैसा हूँ, तो मैं ऐसे टाइप से सीखूंगा। अगर मैं खुद सीखने वाला हूँ, जैसे मैंने पहले सीखा था, तो उसी टाइप से मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। देखो आपके सामने, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, डी बना लीजिए। डी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप डी बनाइए। ऊपर से नी भी बनता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डी बन गया, उसके बाद मेन एक्सरसाइज आपको करनी है हाथों के लिए। सबसे पहले ये करनी है दोस्तों, देखिए जिनका सर लगता है अभी भी, वो ये करेंगे। देखिए हाथ इस टाइप से, पीछे पैर चिपके हुए मेरे, एकदम से हाथ ऐसे। जब आपके हाथ मुड़ने बंद हो जाएं, तो समझिए आप रेडी हैं बैकफ्लिप मारने के लिए। हाथ बिल्कुल सीधे पड़ने चाहिए आपके नीचे, देखिए जो सीधे पड़ रहे हैं, बिल्कुल भी लैक नहीं होंगे हाथ। अगर आपके हाथ मुड़ रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जिनके हाथ लगते हैं, हाथ नहीं लग पाते हैं, सर लगता है, तो उनके लिए भी एक्सरसाइज बढ़िया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, खड़े होंगे और बैक वाली पोजीशन लेंगे, पूरा फील लेंगे कि आप बैक मारने वाले हैं, लेकिन अभी मारने नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। अभी आपके अंदर कई टाइप के डर हैं, तो आप ये रोल बैक टू हैंड स्टैंड कीजिए। ये रोल बैक करना बड़ा जरूरी है। रोल बैक से क्या होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मतलब समझ हो जाएगी आपको कि पीछे की तरफ कैसे जाएंगे हम, ठीक है। अब पीछे जाने का देखिए दोस्तों कैसे करना है आपको। आप पहली बार में बैक फ्लिप नहीं मार पाएंगे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कोई नहीं मार पाता है। और मुझे ये भी पता है, बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी नेट में देख भी चुके हैं, सीधी सी बातें देख चुके हैं आप, लेकिन थक हार के आप इस वीडियो में पहुंचे हैं। तो आप ये बात देखिए, पहला जो ट्राई होगा आपका वही सबसे ज़बरदस्त होगा। अब आप ऐसे उदास हो जाते हैं कि कैसे होगी, इसके बाद आप बंद कर देते होंगे। अब आपको देखिए पहला ट्राई इस टाइप का होगा, देखिए आपका कुछ ऐसे घबरा के आप नीचे गिर देंगे। उसके बाद आप पीछे जाने की कोशिश करेंगे भी तो नहीं हो पाएगा। फिर आप ये चीज़ ट्राई करना, देखो इस टाइप से पूरा नहीं पलट पाएंगे आप, ऐसे करके गिरेंगे गद्दे से, ठीक है। आपकी तरह ही कर रहा हूँ, जैसे आप करते होंगे घर पे, ये सब आपके साथ होता है मुझे पता है। तो देखिए जैसे मैं गया, मैंने पीछे पलटने की कोशिश की, नहीं पलट पाऊंगा पहली बार में, ठीक है। मैं इसलिए आपको रिलेट कर रहा हूँ, ये मान लीजिए मुझे भी नहीं आती, मैं आप भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ, ठीक है। तो आप रिलेट करिए चीज़ को कि जब सेकंड अटेम्प्ट होगा तो वो उससे बढ़िया होगा, ठीक है। लेकिन आप कहीं भी होप मत खोइए। देखिए सेकंड ऐसा होगा, सर पे गिरेगे, इस टाइप से गिरोगे तो गिरना तो लगा रहेगा दोस्तों उसमें, आपको कहीं पे भी आपको घबराना नहीं है। देखिए इस बार गया तो मैंने जंप पूछ ली, गर्दन देखा ना, गर्दन फोकस कीजिए, गर्दन देखिए पीछे की तरफ है, ठीक है। और ऐसे गिरिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब तक गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, गिरना तो आपको पड़ेगा ही। तो दोबारा से हम इस चीज़ को करेंगे, कई कई बार आपको करना पड़ेगा, फिर आप ऐसे गिरोगे, कई बार गिरोगे आप ऐसे। देखिए आपके साथ ही सीख रहा हूँ, ये सब आपके साथ भी होता है और मेरे साथ भी पहले भी हुआ है। तो आप ये मान लीजिए, देखिए अब मैं किस स्टेप से पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें गलती मेरी ये है कि मैंने गर्दन पूरी पीछे नहीं की, जिसकी वजह से मैं पलट नहीं पाया। तो आपको यही सब चीज़ें अपने आप को वीडियो बना के देखना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और फिर मेरी वीडियो से रिलेट करना है, जिससे आप समझ पाएँ, क्योंकि ऐसे सीखना बड़ा मुश्किल जाएगा। और ऐसे होप मत खोइए जैसे मैं बैठ गया हूँ, ऐसे टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा, सीधा आगे बढ़ना है आपको। दोबारा ट्राई कीजिए, चोटी तो लगेगी कोई बात नहीं, लग जाने दीजिए। इस टाइप से गिरोगे कोई बात नहीं, जितना आप गिरोगे ना आपको उस चीज़ से नए नए एक्सपीरियंस होगा, जितना भी आप गिरोगे। और इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने 2 या 3 दिन भी कर ली रेगुलर, जैसे मैं आगे आ रहा हूँ रबर बैंड, ठीक है, इस टाइप की कर ली प्रैक्टिस आपने, तो आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों रबर बैंड की कब का चाहिए अगर ट्यूटोरियल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लेना, उसके बारे में पूरा बताया गया। तो सर में लग जाएगी, आप होप नहीं खोएंगे, अगले दिन ट्राई करेंगे, अगले दिन पे आ जाते हैं दोस्तों। तो फिर दोबारा अगले दिन आप जब फ्रेश होंगे, सीधा पूरा पलट पाएंगे आप, जितना कंटिन्यू ट्राई करेंगे बिल्कुल, तब आप खुश महसूस करेंगे अपने आप में कि मैंने इतने दिन से, 3-4 दिन से जो चीज़ कर रहा था तो मैंने फाइनली अचीव कर ली। फिर आप सीधा रोल करें और पीछे को दोस्तों जंप लें स्टेप से। अब ये देखिए मैं बताता हूँ इसमें सही सही चीज़ें क्या हैं। देखिए पूरा बैठा हुआ हूँ, ऐसे ही बैठना है आपको, पूरा बैठा हुआ था मैं, पूरा बैठना है आपको। और जब रोल करके हैं तब भी आपको दोस्तों पूरा बैठना है, ठीक है। तब भी आपको कुछ इस वीडियो में ना समझ आए, आप कमेंट में लिखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके लिए भी वीडियो बनाने का, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल में बैक फ्लिप की पब्लिक है, आपको खुद पता है इस चीज़ का। तो मैं चाहता हूँ कि जो बंदों ने मेरे को बैक फ्लिप के सब्सक्राइब किया है, उनकी मैं आशाओं पर खरा उतर जाऊँ, वो सिखा दूँ उन लोगों को। तो देखिए दोस्तों रोल किया और देखिए पूरा बैठ जाऊँगा नीचे जैसे पलौथी मार के, और उसके बाद मैंने जंप ली, ये देखिए। इस चीज़ को आप रेगुलर करेंगे तो बैक फ्लिप आ जाएगी दोस्तों आप। और दोस्तों बाकी बात मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको,
कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और अगर बैकफ्लिप मारना आपका सपना है तो सपना वही है दोस्तों जो आपको सोने ना दे, सपना वो नहीं है जो आप सो के देखते हो, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक तो कर दिए दोस्तों। थैंक यू वेरी 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 मच दोस्तों।